हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भार्गव और मैं आप सभी का इस वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूँ। तो आज हम एक पाइथन गेम बनाने वाले हैं और हम सभी ने यह गेम पहले खेला हुआ है और यह गेम है स्नेक्स एंड लैडर का। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें एक ये गेम पाइथन में बनाएंगे। इसके लिए हमें पाइथन इंस्टॉल होना होगा अपने लैपटॉप में या पीसी में। मेरे में तो इंस्टॉल है, अगर आप में नहीं है तो आप प्लीज़ कर लीजिए इंस्टॉल। और याद रखिए कि आप पाइथन वर्जन 3.8 ही इंस्टॉल करें, क्योंकि ये 2 में नहीं चलेगा। पाइथन अगर 2 हुआ तो नहीं चलेगा। और मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ कि मैंने पहले से ही कुछ फ़ोटोज डाउनलोड करके रखा है जो कि हमारे इस गेम में चाहिए होगा। जैसे कि ये सब फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये सभी फ़ोटो हमको गेम में चाहिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं। तो पहले हमें ये करना होगा, इंपोर्ट करना होगा हमें पाई गेम को, क्योंकि ये पाई गेम एक मॉड्यूल है जिसमें हम गेम बनाते हैं पाइथन। उसके बाद हमें चाहिए होगा, इंपोर्ट करना होगा हमें रैंडम, फिर इंपोर्ट टाइम। तो ये पहला वीडियो है इस गेम का, ये छोटा वीडियो होने वाला है क्योंकि हम इसमें पूरा गेम कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम छोटा छोटा पार्ट में कवर करेंगे इसको। बेसिक थोड़ा सा इम्पोर्ट कर लेते हैं हम। पाई गेम सबसे पहले हमें लिखना होगा पाई गेम डॉट इनिट। अगर हम ये नहीं देंगे तो नहीं चलेगा गेम। फिर हमें एक डिस्प्ले करना है स्क्रीन। स्क्रीन डिस्प्ले करने के लिए हम स्क्रीन लिख देंगे, फिर इक्वल टू पाई गेम डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले डॉट सेट, सेट मोड कर देंगे। ये करने से एक स्क्रीन बन जाएगा। फिर इसमें हमें दो साइज देना पड़ेगा, एक यहाँ पर एक्स का साइज, फिर वाई का साइज। हम इसको लिख देते हैं, एक्स का साइज को लिख देते हैं 650 दे दिया। एक्स का मतलब लेंथ इसका होगा 650 और ब्रेथ होगा 500 का। तो ऐसे एक स्क्रीन बन जाएगा हमारे सामने, आप देख सकेंगे इसको। देखिए ये एक स्क्रीन बन के आ चुका है, ऐसे पाई गेम विंडो लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये जो लिखे यहाँ पर पाई गेम विंडो लिखा आ रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें इसमें एक गेम का नाम लिखाना है। हम क्या करेंगे इसमें पाई गेम डॉट कैप्शन, पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट कैप्शन करेंगे। और इसमें हमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखने जा रहे हैं स्नेक्स एंड लैडर्स, स्नेक्स एंड लैडर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्नेक्स एंड लैडर। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं, मतलब गेम का नाम निकल रहा है कम से कम। फिर अब हमें चाहिए यहाँ पर, आप जैसे कि बैकग्राउंड ब्लैक हो रखा था तो हमें ब्लैक बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमको कुछ और बैकग्राउंड में चाहिए। हम बैकग्राउंड में डालेंगे अभी बैकग्राउंड में हम डालेंगे इस इमेज को डालेंगे और इस इमेज को डालेंगे। सबसे पहले तो इसको डालेंगे, फिर इसको डालेंगे। मैं दिखा लेता हूँ आपको कैसे करना है ये। तो ये हम बैकग्राउंड के लिए बना रहे हैं, ये कमेंट का है, मतलब ये अगर हम ऐसे लिखेंगे कुछ तो ये कमेंट कर जाएगा, मतलब इस लाइन को पाइथन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ये बैकग्राउंड के लिए है। बैकग्राउंड के लिए पहले हम कर देंगे कुछ बैक इमेज मतलब बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। इसके लिए हमें करना होगा पाई गेम डॉट इमेज डॉट लोड, फिर हम इसमें डाल देंगे
एक लिंक डाल लेंगे। लिंक किसका होगा? ये बैक इमेज का लिंक होगा। सो बैक इमेज कौन सा? ये है, हम इस इमेज को डालेंगे उसमें। सो इसका नाम है बैक इमेज। और हम इसमें अगर प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसका प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं तो कहता है देखिए, सो ये एक जेपीजी फाइल, तो जेपीजी फाइल है। सो इसलिए हम ऐसे करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका नाम, पहले तो बैक इमेज बोल के ही है, बैक इमेज डॉट जेपीजी कर लेंगे क्योंकि ये फॉर्मेट है इसका जेपीजी। फिर हमें चाहिए होगा फिर हमें एक ऐसा करना चाहिए, इससे पहले हमें ये करना होगा कि हम यहाँ पर पाई गेम कर लेंगे, पाई गेम डॉट, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये करने से क्या होगा। ये करने से कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि हमें करना होगा ये पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम नया कुछ भी अगर स्क्रीन में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो पाई गेम उसको नहीं दिखाएगा। तो अभी करने पर देखिए, सॉरी, सो हम पहले ये करेंगे, फिर इसको डिफाइन कर देंगे, फिर अब हम इसको ड्रॉ भी तो करना है। सो ये एक डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड को, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम बैंक बैकग्राउंड बोल के। फिर देखिए स्क्रीन, मतलब हमें इस स्क्रीन के अंदर में चाहिए है ना, इसलिए स्क्रीन लिखते हैं हमें स्क्रीन डॉट ब्लेट। ये जो है ना, ये आपका एक स्ट्रक्चर बना देगा। सो हम इसमें देंगे, एक ड्रॉ कर देगा, जो हम यहाँ पर लिखेंगे उसको वो ड्रॉ कर देगा वहाँ पर, मतलब उसका इमेज वहाँ पर पेस्ट कर देगा। सो इसलिए हम इसमें लिखेंगे बैक इमेज, बैक इमेज लिखेंगे। फिर यहाँ पर दो वैल्यू चाहिए होगा इसका, लोकेशन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब कहाँ कहाँ से चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बी एक्स इक्वल्स टू, कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसे कि हमारा 650 है, तो हमें थोड़ा सा बीच में कहीं चाहिए होगा। सो हम यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ के इस साइड में, सो 150 दे देंगे बी एक्स को, और बी वाई को दे देंगे 5। अब देखिए यहाँ पर बी एक्स कमा बी वाई, ये कोऑर्डिनेट हो गया दोनों, है कि नहीं। फिर हम इसको ये फंक्शन को कॉल करेंगे, बैक को कॉल करेंगे, फिर हम करेंगे पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट। अब देखिए ये एक इमेज बन के तैयार है, ये इमेज आ गया है हमारे स्क्रीन के अंदर। अभी देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, हमने पूरा मिला दिया है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि वो कैसे हो रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बी एक्स का वैल्यू 150 दिया है, मतलब इस लोकेशन से ये जो इमेज फॉर्म हुआ है ये 150 डिस्टेंस दूरी पर है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 650 है ये लेंथ 650 है, और ये है आपका 500, और ये जो इमेज है ये इमेज का साइज है 450, तो यहाँ से यहाँ तक 450 है। तो और बी वाई का वैल्यू है 5, मतलब ऊपर से ये 5 के डिस्टेंस नीचे है, तब थोड़ा अच्छा लगेगा ना देखने में, मेरा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बन चुका है ऐसे। फिर अभी हमें क्या चाहिए? अभी ये बैकग्राउंड ब्लैक हो रखा है, ये बैकग्राउंड ब्लैक हो रखा है, हमें इसको थोड़ा सा कुछ और लगाना होगा, कुछ और अलग कुछ। तो इसलिए हम फिर से एक बनाएंगे,
इस बार हम करेंगे स्टेज, स्टेज बोल के बोलेंगे इसको। फिर इसमें भी ये सेम ही चीज़ है, कॉपी कर लेते हैं और ये पेस्ट। अब बस यहाँ पर हमें इसका फॉर्मेट कुछ और लिखना होगा, जैसे कि जेपीजी, तो इमेज तो जेपीजी ही होगा वो तो, और हम इसमें लगाएंगे ये वाला इमेज क्योंकि डाइस के साथ ये इमेज अच्छा लग रहा है, तो हम ये इमेज लगा देते हैं। इसका नाम है गोल और इसका भी फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट ही है, इसलिए हम आसानी से इसमें गोल लगा देंगे। फिर इसी के अंदर में, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ये इस चीज़ से पहले लिखेंगे, नहीं तो अगर यहाँ पर लिखते हैं तो ये देखिएगा आप क्या हो जाता है। कॉपी कर लेते हैं इसको, एपर पेस्ट, एपर एसटीजी। फिर अब एसटीजी का भी वो भी जो चाहिए हमें, इसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, 0 0 लेते हैं क्योंकि हमें पूरा में चाहिए इसको, इसलिए अब देखिए क्या हो जाएगा। ऐसा करने पर देखिए वो पहला वाला इमेज गायब हो गया क्योंकि हमने इसको पहले ऊपर में दे दिया ना, तो हम इसको इसलिए इसको कट कर लेते हैं और इससे पहले इसको ले लेते हैं ताकि ऐसे हो जाए। अब देखिए ये बैकग्राउंड में ये इमेज है और साथ में ये है। अभी हमें क्या चाहिए, प्लेयर्स चाहिए होगा, फिर हमें एक कुछ, फिर दूसरा फंक्शन एक बना लेंगे हम प्लेयर्स का। तो अब यहाँ पर जो ये था, फिर इसके बाद में हम यहाँ पर एक बना देंगे प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए बनाएंगे R1, क्योंकि वेट के लिए R1 है। फिर इसी चीज़ को हम कॉपी करेंगे, चुल्फी, फिर बस अब इसको कट कर देते हैं और इसका देख लेते हैं कि रेड को हमने क्या बोल के सेव कर रखा है। हमने रेड को सेव कर रखा है पिन वन सेव कर रखा है, और इसका टाइप क्या है, ये PNG टाइप है, तो हम इसमें ऐसे करेंगे ये पिन, फिर एक क्या था, pin1.png। तो हाँ pin1.png। फिर हम करेंगे दूसरा ब्लू के लिए, सो B1 दे देते हैं। इसी चीज़ को फिर कॉपी पेस्ट, फिर इसका नाम है, हमने क्या बोल के सेव कर रखा है इसको, इसको हमने सेव कर रखा है प्लेस होल्डर बोल के सेव कर रखा है इसको, हम इसको भी प्लेस होल्डर दे, इसका नाम प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, और इसका भी फॉर्मेट PNG ही है। फिर हमें चाहिए होगा तो फंक्शन फिर से डिफाइन करेंगे हम, डिफाइन आर प्लेयर मतलब इसको हम करेंगे एक्स कमा वाई एक फंक्शन, ये आर प्लेयर बोल के एक फंक्शन बना देते हैं हम, और इसमें फिर से हमें करना है स्क्रीन ब्लेट, फिर इसका यहाँ पर लिखेंगे हम R1, ये रेड के लिए है, सो R1 लिखेंगे और यहाँ पर x कमा वाई। जब हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को तब हम x कमा वाई का वैल्यू दे देंगे। यहाँ पर दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं हम बी प्लेयर मतलब ब्लू के लिए, इसमें भी x कमा वाई, फिर स्क्रीन ब्लेट, स्क्रीन ब्लेट B1, और ये भी x कमा वाई।
फिर देखिए यहाँ पर ये रखा है, इसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल करने के बाद हम उसको कॉल करेंगे, आर प्लेयर को कॉल करेंगे और इसमें कुछ वैल्यू दे सकते हैं हम, जैसे आर एक्स आर वाई, और बी प्लेयर को भी कॉल करेंगे बी वन एक्स बी वन वाई। अब इससे पहले हमें यहाँ पर इसका लिखना पड़ेगा कि प्लेयर यहाँ पर आर एक्स का वैल्यू हमें कौन सा लोकेशन में चाहिए, आर एक्स का वैल्यू हमें चाहिए कहीं बीच, जैसे कि आर एक्स का वैल्यू हमें कहीं यहाँ पर चाहिए और बी वन का वैल्यू यहाँ पर चाहिए करीब। सो हम आर एक्स का वैल्यू दे देते हैं करीबन, अगर यहाँ पर हुआ तो ये होगा एक्स कितना दूरी पर होगा, करीबन 100 के आसपास, फिर वाई का डिस्टेंस होगा 250 के। सो आर एक्स का वैल्यू हम देते हैं 100 और आर वाई का वैल्यू देते हैं 251। फिर हमें एक और चाहिए, फिर बी वन एक्स का वैल्यू देते हैं हम 155 और बी वन वाई का वैल्यू दे देते हैं, सॉरी बी वन एक्स का वैल्यू हम 100 दे देते हैं, फिर बी वन वाई का वैल्यू हम देंगे, थोड़ा सा नीचे देना होगा हमें आर वाई से, थोड़ा आर एक्स से थोड़ा नीचे, क्योंकि अगर आर एक्स यहाँ पर हो रहा है तो बी वाई यहाँ पर होगा। सो हम इसका वैल्यू दे देते हैं 362 दे देते हैं। सो अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कुडंट ओपन पिन वन पिन जी। सो हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। ओ यहाँ पर पिन वन के बाद एक स्पेस है और मैंने वहाँ पर स्पेस नहीं किया इसमें, तो मैं वहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ पिन रेड, यहाँ पर एक स्पेस होगा अब चल जाएगा। तो यहाँ पर आर वन आ गया, सॉरी यहाँ पर रेड प्लेयर आ गया और यहाँ पर ब्लू प्लेयर आ गया। तो अभी हमें क्या चाहिए, कहीं ऐसा कुछ चाहिए होगा ना कि जहाँ पर प्रेस करे और डाइस रोल हो, इसलिए हम एक दूसरा भी बना देते हैं। इसमें हम बनाएंगे एक एरो बना देते हैं, जैसे कुछ भी यहाँ पर हमने डाउनलोड करके रखा है एरो, सो हम ये बैकग्राउंड में ही बना देंगे इसको, इसी में एक एरो बना देंगे, एरो इक्वल्स टू ये पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर हमने एक एरो डाउनलोड करके रखा है, ये ना ये AR और ये PNG फाइल है। तो हम सिंपल सा यहाँ पर ARR.png, फिर हमें चाहिए होगा इसको हम बनाएंगे बैकग्राउंड में ही बनाएंगे, इस फंक्शन के अंदर में बनाएंगे इसको। सो हम यहाँ पर बनाएंगे, कॉपी कर लेते हैं इसको, फिर इसको यहाँ पर पेस्ट, इसके जगह में हम करेंगे एरो एरो, फिर इसका भी लोकेशन हम ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं हम 10.90। कुडंट ओपन जेपीजी, वो तो PNG था, सो ये PNG। तो ये लोकेशन ये थोड़ा नीचे आ गया, ज़्यादा नीचे हो गया, सो हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये एरो को हम
चलो फिर थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 50 कर देते हैं। अभी थोड़ा सा ठीक लग कुछ पे। अभी अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अभी तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाइस रोल ताकि यहाँ पर हो सके या फिर यहाँ पर कहीं पर भी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत जल्द हम अगला वीडियो भी बनाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो तक। थैंक यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन।